नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्त्री धर्म सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल डीएस मल्लेवाला में। मित्रों, आज मैं आपके साथ हूं एक नई जुगाड़ ट्रिक के साथ, जो कि हमें आईसर ट्रैक्टर के इंजन में करनी है। इसका हेड का जो गैस्केट सिम होता है वो लगातार फट रहा है, लगातार ब्लास्ट हो रहा है, जिसके कारण इंजन स्टार्ट होने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। अब हम देखिए एक जुगाड़ करके इसका हेड बिना खराद मशीन, बिना नया बदले, बिल्कुल सही हालत में करके आपको दिखाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी भी समझ में आ जाए ये जुगाड़, और आप भी आगे कर सकें और काफ़ी अच्छा खासा पैसा आप बचा सकते हैं। ये देखिए, अब हमने शुरू कर दिया है इसको खोलना। ये देखिए, हमने एयर होज पाइप हटा दिया है। अब हम इसका फैन कवर वगैरह हटा करके हेड को भी खोलेंगे और आपको वो जुगाड़ करके दिखाएंगे, जिससे कि ये हेड बहुत कम खर्च में बिल्कुल नए जैसा काम करेगा। ये देखिए, हम इसके रोकर लीवर वगैरह निकाल लेते हैं पहले। और अब हम ये 24 नंबर की गोटी के माध्यम से हम हेड के नट भी खोल लेंगे। ये देखिए, हमारे लगभग हेड के नट खुल चुके हैं और अब हम हेड को बाहर उठा लेंगे, क्योंकि हेड के साथ ही ये रोकर बॉक्स जो होता है ये फिट होता है, ये इसी के साथ रहता है। ये देखिए, ये हेड हमने निकाल लिया है। अब हम दिखाएंगे इसमें क्या कमी है। ये यहाँ से जो काला काला दिख रहा है, ये यहाँ से गैस्केट ब्लास्ट कर रहा था। ये देखिए, हेड के अंदर काफ़ी गंदगी जम चुकी है, इसको हम सफाई कर लेते हैं। हेड की सारी गंदगी हटाने के बाद साफ करके इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ही समय बाद। ये देखिए, ये हमने गैस्केट सिम को हटा लिया है, ये ख़राब हो जाता है। इसका कारण है कि ये ख़राब हो चुका है यहाँ से, और इसको हम साफ़ कर लेते हैं, पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे कहाँ इसके अंदर फॉल्ट है। फॉल्ट इसके अंदर ये देखिएगा, ये हमने साफ़ कर लिया है, ये जो है यहाँ पर गहरा है, गहरा हो चुका है, ये बैठ चुका है। ये बाकी सही है, लेकिन उस साइड में ये गहरा है, हमें इस गहराई को भरना है। इस गहराई को हम एम सील लेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी की एम सील ले लेंगे आपस में मिला करके। हम इस हेड की गहराई में इस एम सील को इस तरह से भर देंगे, बहुत अच्छे लेवल से भरेंगे इसको। ये देखिए, हमने एम सील को बहुत अच्छी तरह से भर दिया है, कुछ समय के लिए सेट होने देंगे। क्योंकि सभी जगह से हेड पूरी सीट सही है, और जहां हमने एम सील लगाई है ये यहां पर ही गड्ढा है। अब हम इस एम सील के ऊपर से लगाएंगे फेवी क्विक सारी एम सील के ऊपर लगा देंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। ये हमने फेवी क्विक को लगा दिया है। अब रेंग मार की मदद से ये सेट हो चुका है, क्योंकि फेवी क्विक बहुत फास्ट
हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। मित्रों ये देखिए, अब हम इसको रेगमार से बिल्कुल हेड के लेवल में घिस लेंगे, बिल्कुल ये ओवर ना रहे और गड्ढा भी समाप्त हो जाए। उस लेवल से हम हेड के इस फेस बिल्कुल फेस में बना लेंगे इसको घिस करके। ये देखिए ये आ चुका है। ये फ्रेश हो चुका है लगभग अब, और थोड़ा सा हम इसको और फ्रेश करेंगे। ये हमने बहुत बारीकी से काम किया है और इसको बारीकी से करना चाहिए, बहुत थोड़ा सा समय लगा लेना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल एकसार हो चुका है ये। ये एक सार हो चुका है। अब हम इसको इसके ऊपर अब हम ये गैस्केट बॉन्ड और लगाएंगे हेड के चारों तरफ, बिल्कुल जहां हमारी हेड गैस्केट सिम लगती है वहां पर हम चारों तरफ इसको लगा लेंगे, अच्छी तरह से लगा लेंगे, एक सार करके लगा लेंगे। ये हमने गैस्केट बॉन्ड को एक सार कर लिया है, बिल्कुल सही तरीके से लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर से नया गैस्केट सिम लगा देंगे। मित्रों 10 रुपये की एम सील का पैकेट था, जिसमें से आधा भी लगभग आधा खर्च हो चुका है, और एक हमारी फेविक्विक की ट्यूब 5 रुपये की, 15 रुपये, और ये हमारा गैस्केट सिम 40 रुपये का है, 55 रुपये, 10 रुपये की हमारी ये गैस्केट बॉन्ड, 65 रुपये, 10 रुपये का रेगमार, 75 रुपये में लगभग हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हमने अब हेड को रख दिया है, हेड को रख रखे हैं। ये देखिए हेड लग चुका है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है तो ये हमें सही से सेट करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें इसकी। ये देखिए हमने हेड को बैठा दिया है। अब हम इसके 24 नंबर की हेड, 24 नंबर की गोटी से हम इसको हेड को कस लिया है, और हम अब इसके बाकी पार्ट्स लगा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग लीवर को लगाया था, अब रोकर लीवर लगा रहे हैं। मित्रों ये देखिए रोकर लीवर, तो
थोड़ी सी कंजस्टेड है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, फिट हो जाते हैं। ये लग चुके हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना मित्रों, ताकि आगे भी मैं इसी प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ये देखिए, हमने टैपेट सेट कर दिए हैं, ये कंप्रेसर प्लेट को सेट कर रहे हैं। ये हाफ कंप्रेसर प्लेट लगाई जाती है दो स्टडों के माध्यम से। ये देखिए, अब हमने इंजन को स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल फिट फाट, बिना किसी दिक्कत के ये चालू हो गया है। अब हम एक बार और आपको साइलेंसर लगाने के बाद एक बार और स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये देखिए, हम अब दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा, हमने दोबारा स्टार्ट करवा दिया है ट्रैक्टर को। ये देखिए, बिल्कुल सही चल रहा है। अब गैस कट भी देखेंगे यहाँ से हमारा। ये देखिए, जहाँ सुराख है इसके ऊपर ये जोड़ होता है, यहाँ से बिल्कुल किसी प्रकार की कोई एयर, कोई धुआं, कुछ नहीं है। तो मित्रों, ये कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सही चल रहा है इंजन। मित्रों, आगे मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।